हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम यू ऑल इन माय न्यू लेक्चर। तो अभी तक हमने बात की थी डायमेंशनल एनालिसिस की, जिसमें हमने दो एप्लीकेशन देखी थी डायमेंशनल एनालिसिस की, और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं थर्ड एप्लीकेशन की, एंड उसके बाद हम देखेंगे कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स जिससे आप लोग जिस टाइप के क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि डायमेंशन में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं। माय नेम इज वेरी सिनेटो एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू क्लास। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, दैट इज डिड्यूसिंग अ रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट हैपेंस अगर हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन पता है कि सर ये जो क्वांटिटीज हैं ये आपस में रिलेटेड हैं, ये कैसे रिलेटेड है, दैट वी कैन फाइंड यूजिंग दिस डायमेंशन एनालिसिस, राइट? तो हमने कहा सपोज दैट वी हैव बीन गिवन दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टी डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन चीजों पे ये टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ इट इज डिपेंडिंग ऑन दीज थ्री क्वांटिटीज, राइट? तो हमने कहा देखो ये स्टेप्स हैं, आपके स्कूल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे, क्योंकि स्कूल्स में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, मैंने कहा सपोज दैट आप बोलोगे टी इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर ए, L की पावर B एंड G की पावर C। मुझे नहीं मालूम ये कैसे रिलेशन है, मास की किस पावर पर रिलेटेड है, L की किस पावर पर रिलेटेड है, G की किस पावर पर रिलेटेड है। मैंने कहा मैं A B C मान लेता हूं, एंड देन वी हैव टू फाइंड दी A B एंड C। मैंने कहा प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोल देते हैं कि सर कुछ ये इस टाइप से क्वांटिटी का रिलेशन आएगा, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। मैंने बहुत अच्छी बात है, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अगर ये एक करेक्ट रिलेशन होगा तो डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए, ये तो हमें पता ही है। अगर ये फिजिकली एक करेक्ट रिलेशन है तो डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए। तो मैंने कहा सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की आप डायमेंशन निकाल लिया और इक्वेट कर दीजिए। मैंने कहा देखिए अगर इसकी बात करें, यहां पे जो बात होती है वो आएगी सर टाइम, इसकी आई एम जीरो एल जीरो टी जीरो बिकॉज इट्स टाइम टी वन, सॉरी दैट शुड बी इक्वल टू के, तो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट माना है हमने, हमने कहा मास, तो आप बोलोगे सर एम की पावर ए, लेंथ एल की पावर बी, एंड जी इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की होती है एल टी माइनस टू, तो आप क्या लिखोगे एल टी माइनस टू की पावर सी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा सर अब सारे जो है कंबाइन कर लीजिए, मैंने कहा देखिए मास केवल यहां है और कहीं पर भी नहीं है, तो आप इसको क्या लिखोगे एम की पावर ए, एल की पावर बी है यहां पे और ये पावर वन है तो एल की पावर बी, L की पावर यहां वन है और ये वन इंटू सी कितना हो जाएगा C, तो यहां पर टोटल पावर कितनी आएगी L की पावर B प्लस सी। अच्छे समझिएगा ये वाला स्टेप, L की पावर B थी यहां पे, L की पावर ये C मल्टीप्लाई होकर कितनी हो जाएगी L पावर C, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी B प्लस सी। मैंने T की पावर देखें, T की यहां नहीं है, T यहां नहीं है यहां पे, तो T की पावर माइनस टू सी, ये C मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऑलरेडी एम जीरो एल जीरो टी की पावर वन है। मैंने कहा ये दो क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन भी सेम होने चाहिए, इसका मतलब रिस्पेक्टिव पावर्स ये देखिए ये भी सेम होने चाहिए। तो यहां से एक चीज तो समझ में आ रहा है कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है जीरो, ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर वन, ए की वैल्यू कितनी आ रही है जीरो, हमने कंपेयर किया, मैंने कैसे देखो ये एल की पावर जीरो है यहां पर बी प्लस सी है, तो आप बोलोगे सर बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे दैट शुड बी जीरो, तो बी की वैल्यू इज माइनस सी की वैल्यू। ठीक है, मेरा नेक्स्ट है माइनस टू सी, माइनस टू सी और यहां पर टी की पावर वन है, तो आप बोलोगे माइनस टू सी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस टू सी की वैल्यू होनी चाहिए वन, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड थी आपकी। अच्छा मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय टू, अगर सी की वैल्यू माइनस वन बाय टू आ गई तो आप इसमें पुट करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन बाय टू आ गई। सर क्या हमारे पास एबीसी की वैल्यू आ गई, यस हमारे पास एबीसी की वैल्यू आ गई, हमने कहा वापस पुट कर दोगे तो आप बोलोगे टी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट एम की पावर जीरो, एल की पावर वन बाय टू, जी की पावर माइनस वन बाय टू। पावर को अगर हम देखें तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं के एक कांस्टेंट है जो हम बाद में कैसे भी एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करके आया हुआ है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपको लिख देता हूं टू पाई, एम की पावर जीरो मतलब एम की पावर वन, एल की पावर वन बाय टू मतलब रूट एल हो गया, और जी की पावर माइनस वन बाय टू मतलब नीचे आएगा तो जी की पावर वन बाय टू, तो आप बोलोगे इसको ऐसे लिखोगे एल बाय जी। तो ये रिलेशन होता है टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम का कुछ ऐसा रिलेशन होता है। ठीक है, इसमें देखिए ड्रॉबैक यही है कि ये कांस्टेंट आप इस डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये हमें बाद में एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना होता है। पावर्स में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर से देखिए L की पावर 1 बाय 2 मतलब होता है रूट एल, जी की पावर माइनस 1 बाय 2 को आप नीचे लेके जाओगे तो हो जाएगा जी की पावर 1 बाय 2, और फिर जी की पावर 1 बाय 2 मतलब कितना हो गया रूट जी, तो नीचे आ गया ये इस तरीके से, राइट? सो दिस इज हाउ, आपको यही स्टेप्स फॉलो करने स्कूल में, तो स्पेशली आपको सारे स्टेप्स इसमें स्किप नहीं करने होते हैं, बाकी आप वैसे भी आप बोलेंगे तो आपको इसी टाइप से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं।
ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट सम डायमेंशनलेस क्वांटिटीज. व्हाट आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज? दैट क्वांटिटीज विच डू नॉट हैव डायमेंशंस, जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, सबकी पावर 0 आएगा, तो सबकी पावर 0 मतलब कितना हो जाएगा 1. तो विच डू नॉट हैव डायमेंशंस आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज. मैंने कहा प्योर नंबर्स, कोई भी नंबर होगा 2, 3, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, कोई भी नंबर होगा, आप बोलोगे दैट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज. आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एंड वैल्यूज ऑफ स्पेशल फंक्शंस लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस. देखिए मैथमेटिकल फंक्शन है, उसकी जो वैल्यू आएगी वो नंबर्स में आएगी, तो अगेन नंबर्स कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस. आप साइन 30 डिग्री लिखते हो, तो साइन 30 डिग्री क्या है? सर 1 बाय 2. तो देखिए साइन का जो भी रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? एक नंबर होगा, तो नंबर डायमेंशनलेस. तो कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो एक मैथमेटिकल नंबर होगा, प्योर नंबर के फॉर्म में आएगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर वो डायमेंशनलेस होना चाहिए. साथ ही साथ जो आर्ग्यूमेंट है, ये साइन का आर्ग्यूमेंट, ये साइन के अंदर ये जो लिखा होता है इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, लॉग के अंदर ये लिखा होता है इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ये e की पावर एक्सपोनेंशियल, e यहां पे क्या होता है, e जानते हैं आप लोग, चलिए e बता देता हूं. e क्या होता है? e मतलब होता है नेपियर्स कांस्टेंट, e होता है नेपियर्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू लगभग लगभग 2.73 एंड समथिंग समथिंग होती है. जैसे पाई होता है ना, पाई, पाई क्या है? कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग होती है. सिमिलरली ये e भी ऐसे ही कांस्टेंट है, बस आप इसे ध्यान रखिए. तो ये नंबर है, नंबर की पावर समथिंग, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है. टू की पावर कुछ भी होगा, जो पावर में होगा वो भी एक कैसा होगा? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होगा. ये इसका आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है. तो ये भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, ए टी स्क्वायर ओमेगा टी कंबाइंड डायमेंशनलेस होगा, अल्फा टी भी डायमेंशनलेस होगा, इसी को ध्यान रखेंगे. हम इसे कुछ एग्जाम्पल लेटर ऑन देखेंगे, तब हम और अच्छे से हमें रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि रेशियो हो सेम डायमेंशन, मैंने कहा ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, बस तो मास से मास की डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. ऐसे ऊपर डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, डेंसिटी की डेंसिटी डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगे, राइट. तो जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी सेम डायमेंशन है और उनके रेशियो से कोई थर्ड क्वांटिटी बन रही है, तो वो भी कैसी आएगी? डायमेंशनलेस. मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. देखिए प्लेन एंगल अगर आपको याद हो तो ये हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में बात की थी. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में अगर आप देखें प्लेन एंगल होता था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. आर्क लेंथ लेंथ थी, रेडियस भी लेंथ थी, तो लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल हो गई डायमेंशन, तो वो डायमेंशनलेस हो गया. सॉलिड एंगल की अगर हम बात करें तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया है लेंथ का स्क्वायर और आर स्क्वायर तो लेंथ का स्क्वायर है ही, तो आप बोलते हो वो भी डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशनली क्या हो जाते थे? उनकी डायमेंशनलेस हो जाते थे. रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट विल स्टडी लेटर, ठीक है. तो आप बोले वो भी डायमेंशनलेस है. तो कोई भी दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो जिनकी डायमेंशन सेम है, तो रिजल्टिंग क्वांटिटी होगी वो भी डायमेंशनलेस होगी. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. क्लियर? अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी अच्छे से हाईलाइट कर लेना. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट से पूछे जाता है. अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैन हैव यूनिट, बट अ यूनिटलेस क्वांटिटी कैन नॉट हैव डायमेंशन. मतलब एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उसकी यूनिट हो सकती है, बट एक यूनिटलेस क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं हो सकती. मतलब एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आपको पता है डायमेंशनलेस है, तो उसकी यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. बट आपने बोला सर इस क्वांटिटी की तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो सर उसकी डायमेंशन तो 110% नहीं होगी. मैंने कहा ऐसी क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस हो, जिसकी यूनिट हो, मैंने कहा सर ये दो क्वांटिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल्स, है ना, इनकी यूनिट्स होती है बट इनकी डायमेंशन नहीं होती, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, कलरफुल पेन यूज क्या कीजिएगा, स्पेशली बॉयज अवॉइड करते हैं ब्लू और ब्लैक के अलावा. मैं कहता हूं भाई साहब अपनी जिंदगी में रंग भरिए, क्यों इतना नीरस बना रखी है आपने जिंदगी. गर्ल्स आई नो दे यूज मल्टीपल कलर्स, राइट, उनकी जो नोट्स होगी बहुत कलरफुल होती है, बहुत सुंदर होती है. बॉयज डोंट फील बैड यूजिंग डिफरेंट कलर्स. भाई साहब जितनी अच्छी सुंदर कलरफुल आपकी कॉपी होगी उतनी कलरफुल आपकी जिंदगी होगी, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि चीजें आपको ज्यादा याद रहेंगी. माइंड आपका इमेजेस के फॉर्म में कैप्चर करता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को. इसलिए बोलता हूं नोट्स बनाना मतलब 50% काम हो जाना. तो नोट्स जिसके जितने अच्छे होंगे, मैं कहता हूं उसका स्कोर वाकई अपने आप इंप्रूव होने लगता है, ठीक है. मैंने कहा एक एग्जांपल देख लेते हैं, अब हमें एग्जांपल्स ही देखने हैं मोस्टली, तो हमें एग्जांपल देख लेते हैं. मैंने कहा एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, वी इक्वल टू एक्स प्लस वाई टी प्लस जेड अपॉन डब्ल्यू प्लस टी. उसने बोला ये वी वेलोसिटी है, टी टाइम है, तो आपको डायमेंशन बताना है एक्स वाई एंड जेड. देखिए भाई एक्स वाई जी की डायमेंशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है. आप बोलते हैं एक्स वाई जी ओमेगा किसी डब्ल्यू किसी का भी आप निकाल सकते हैं. मैंने जरा देखो वी वेलोसिटी है,
देखो आपने बोला कि सर वेलोसिटी की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू एक्स की डायमेंशन, शुड बी इक्वल टू वाई टी की डायमेंशन एंड शुड बी इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू प्लस टी की डायमेंशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जरा देखो, एक दो तीन, ये तीन क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही हैं, तो आपको मालूम है इन तीनों का आपस में जो डायमेंशन होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा साथ ही साथ आप बोलोगे ये बी से इक्वेट हो रही है, तो मतलब इन तीनों का सम का डायमेंशन बी के बराबर होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो इंडिविजुअल की डायमेंशन भी इक्वल होगी, बिकॉज तीन क्वांटिटी जो सम होती है उनका डायमेंशन भी क्या आता है, इंडिविजुअल क्वांटिटी के बराबर आता है। तो यहां से एक चीज तो पता चल गई कि जो वी की डायमेंशन होगी वो वेलोसिटी के बराबर ही होगी, तो एक्स की डायमेंशन होगी वो वेलोसिटी के बराबर होगी, मतलब एल टी माइनस वन। इसमें तो मुझे लगता है कोई दिक्कत आई नहीं होगी। ठीक है, सिमिलरली आपने कहा वाई इंटू टी की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, एल टी माइनस वन के बराबर, आप बहुत आराम से निकाल पाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, वाई इंटू टी वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, वाई इंटू टी की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, वेलोसिटी के बराबर, और वेलोसिटी डायमेंशन आपको पता है एल टी माइनस वन। ये टी नीचे जाएगा, टी की पावर वन है, और ये ऊपर आएगा तो टी की पावर माइनस टू हो जाएगा, तो आप बोलोगे जो वाई आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा एल टी की पावर माइनस टू। फिर से देखिएगा, ये टी नीचे जाएगा, इसके टी की डायमेंशन क्या होगी, टी की पावर वन, और ये टी की पावर वन ऊपर आएगा तो टी की पावर माइनस वन, और इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। तो यहां पर वाई की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस टू। क्लियर? मैंने कहा डब्ल्यू प्लस टी, ये क्वांटिटी दो आपस में ऐड हो रही है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितना आने वाला है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू आने वाला है टाइम के बराबर, करेक्ट? तो ये तीन मैंने आपको निकाल के दे दी है, जी आपके लिए छोड़ रहा हूं, इस जी की डायमेंशन आपको खुद निकालनी है। ठीक है, मैंने कहा जी की डायमेंशन आप कैसे निकाल सकते हो, देखिए आपने बोला ये ओवरऑल क्वांटिटी डायमेंशन किसके बराबर है, वी के बराबर है, है ना, तो आप बोलोगे जेड अपॉन डब्ल्यू प्लस टी की डायमेंशन किसके बराबर है, टी के बराबर, दैट शुड बी इक्वल टू एल टी माइनस वन। ठीक है, मैं आपको रिजल्ट बता दे रहा हूं, जो वैल्यू आने वाली है ये एल के बराबर आने वाली है। ठीक है, तो ये आप सॉल्व जरूर करेंगे, मैंने एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाया कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। राइट, मैंने कहा इफ द डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटीज मे नॉट बी यूनिक। आपने बोला कि अगर किसी की डायमेंशंस आपको गिवन है तो भाई वो डायमेंशंस कई क्वांटिटीज को बिलोंग कर सकती है, तो केवल आपको डायमेंशंस पता हो तो आप नहीं बता सकते कि ये किस यूनिट की डायमेंशंस है श्योरिटी के साथ, किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस है, बिकॉज वर्क एनर्जी टॉर्क ऐसी कुछ क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम होती है, तो डायमेंशंस आपको गिवन होती है तो आप नहीं बता सकते एग्जैक्टली ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, बिकॉज मेनी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस। राइट, मैं सेकंड न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी डिराइव्ड, हमने देखा था जब हम डिड्यूसिंग कर रहे थे रिलेशन, थर्ड एप्लीकेशन जो देख रहे थे, व्हेन वी वर डिड्यूसिंग अ रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, तो उसमें एक न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट आ रहा था जो कि हम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू डिड्यूस फंक्शंस अदर देन प्रोडक्ट फंक्शंस। ये किसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि आप केवल और केवल प्रोडक्ट फंक्शंस को ही डिड्यूस कर सकते हो बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, दैट मींस दैट टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, सब कुछ मल्टीप्लाई में था, अगर बीच में कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया तो फिर आप ऐसे रिलेशंस को आप बिल्कुल भी डिड्यूस नहीं कर सकते। मैंने कहा फॉर एग्जांपल s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब s इज डिपेंडिंग ऑन द t की पावर 1 एज वेल एस की s इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द t की पावर 2 एज वेल, तो आप फिगर आउट नहीं कर सकते बिकॉज बीच में ये प्लस माइनस आ जाता है, केवल और केवल प्रोडक्ट फंक्शन होते हैं उन्हीं को आप केवल डिड्यूस कर सकते हो। हाँ, वैलिडेशन चेक आप किसी भी फंक्शन का कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये आप इसके लिए चेक कर सकते हो। मैंने कहा नेक्स्ट आपने बोला इट कैन नॉट बी यूज टू डिड्यूस फॉर्मूला इफ इन मैकेनिक्स, ध्यान रखें ये मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं, मैकेनिक्स में जनरली हमने बोला कि MLT तीन चीजों पर ही डिपेंडेंसी आती है क्वांटिटीज की। मैंने कहा मैकेनिक्स में तीन से ज्यादा पर डिपेंड कर रही है कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटीज बिकॉज अननोन विल बी मोर देन इक्वेशन। इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं, मैंने कहा सर ऐसी क्वांटिटीज जो तीन से ज्यादा क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही हो। ठीक है, हम बात करें मैकेनिक्स में, देखो मैकेनिक्स में हमें मालूम है डायमेंशन में या तो मास पे एल पे और टाइम पे, जनरली इन्हीं तीन पर डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, तो आप बोलते हो जब इक्वेशन लिखने गए थे तो ए बी सी तीन वेरिएबल आए थे, तो आप बोलो एम की पावर एल की पावर टी की पावर तीन से आप इक्वेट करके तीन इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप बोलते हो एक और फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंसी आ गई डी पावर टी आ गया, तो आप बोलेंगे चार वेरिएबल्स हो जाएंगे लेकिन हमारी इक्वेशन कितने बनने वाली है, केवल तीन,
तो इसलिए तीन से ज्यादा डिपेंडेंसी वाले फंक्शंस पे आप बोलते हो कि मैं इसको रिड्यूस नहीं कर सकता मैकेनिक्स में। हाँ, मैकेनिक्स के अलावा जब आप जाओगे तो सात फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो सात में से कोई और फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंसी आ सकती है, तो फिर आप यहाँ पे वेरिएबल बढ़ेगा तो इक्वेशन भी बढ़ सकती है। तो ओवरऑल देखो तो आप सात तक कर सकते हो, लेकिन मैकेनिक्स से हम बात करते हैं तो मैकेनिक्स में जनरली तीन से ज्यादा वाली पे हम डिपेंडेंसी होती है, तो हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, करेक्शंस हमने कहा, करेक्शंस तो आप किसी भी फंक्शन का चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जिसमें एग्जांपल IMGD जो टी है, ये टाइम पीरियड है, ये चार क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है और ये मैकेनिक्स की क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे इस टाइप के रिलेशन को आप रिड्यूस नहीं कर पाओगे बिकॉज आप तीन वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं केवल। मैंने सिमिलरली इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन टू क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड बट कैन बी चेक करेक्ट। अब एक रिलेशन ऐसा निकालना जिसमें दो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज आ गई हैं, आप ऐसे रिलेशन को फिर से रिड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज दो सेम डायमेंशन वाली जो क्वांटिटीज आई हैं वो उनकी पावर को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही होंगी। मैंने कहा फॉर एग्जांपल एफ इक्वल टू डीवी बाय एल स्क्वायर। अब डी यहाँ पे लेंथ है, एल भी यहाँ पे लेंथ है, तो यहाँ एल की पावर 1 पे भी डिपेंड कर रहा है, एल की पावर -2 पे भी डिपेंड कर रहा है, तो अगेन हम ऐसे रिलेशन को डिड्यूज नहीं कर सकते। करेक्टनेस ऐसे रिलेशन की भी चेक की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं डायमेंशन एनालिसिस के, जो जनरली हमारे जो रिलेशन हम डिड्यूस करते हैं वहां पे जाके एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, नाउ हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम बोलते हैं कि खत्म करेंगे। मैंने कहा जरा देखिए इसको, प्रेशर की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक उसने बोला एक रिलेशन दे रखा है, प्रेशर है पी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा ई की पावर -β इंटू टी, और आपसे अल्फा बीटा की डायमेंशन पूछी गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन की तरह सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा जरा देखो कहां से निकाल सकते हो, आपको एक चीज बताना चाहिए कि ये जो e की पावर -β t है, मतलब ये इट हैज टू बी डायमेंशनली, हाँ वो तो डायमेंशन लेस होना चाहिए क्योंकि ये फंक्शन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आर्गुमेंट होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो मुझे मालूम है कि जो β t है, जो β t है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। डायमेंशन लेस का मतलब क्या हो गया, 1 है ना, 1 m0 l0 t0, ऐसे आप उसको 1 भी लिख सकते हो। तो मुझे मालूम है कि बीटा की जो डायमेंशन आएंगी वो 1/t की डायमेंशन के बराबर होंगी, और आप बोल सकते हो ये किसके बराबर होंगे, t की पावर -1 की पावर। t यहाँ पे क्या है, टाइम है, तो t की पावर -1 पे, तो बीटा की डायमेंशन आ गई t की पावर -1। सिमिलरली आपने बोला कि देखिए ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगी, ये क्वांटिटी कैसी है, डायमेंशन लेस होगी। आप बोलते हो कि देखो जो टी की डायमेंशन है वो इस फंक्शन की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए क्योंकि इक्वल के दोनों साइड है, बट ये क्वांटिटी तो अपने आप में कैसी है, डायमेंशन लेस है क्योंकि ये मैथमेटिकल फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या होगा, पी की डायमेंशन अल्फा अपॉन बीटा की डायमेंशन के बराबर होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अल्फा अपॉन बीटा की जो डायमेंशन है वो पी की डायमेंशन के बराबर होंगी, और पी क्या है, प्रेशर है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो आप बोल सकते हो फोर्स अपॉन एरिया की जो डायमेंशन आएगी, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, तो जो आएगी वो ये आती है। बीटा की डायमेंशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टी की पावर -1 है, तो ये बीटा यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोलोगे अल्फा की जो डायमेंशन आएंगी दैट विल बी इक्वल टू ML -1 टी की पावर -2 इंटू टी की पावर -1। सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन आएगी ML -1 टी की पावर -3। तो इतने इजी क्वेश्चंस आते रहे हैं और आते रहेंगे डायमेंशन में। एक और लास्ट जो हम आपको बताएंगे, एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जरा इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी एक नीट का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है इसी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायमेंशन में, ये नीट का क्वेश्चन है, आया हुआ है। मैंने बोला कि सर अगर हम फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम की बात करें, इसने बोला कि सर हमारे सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम ने लेके उन्होंने बोला एक हाइपोथेटिकल बना दिया कि हमारे सिस्टम में फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को क्या मान लिया उन्होंने, फंडामेंटल यूनिट्स मान लिया। तो बताओ ऐसे सिस्टम में मास की डायमेंशन क्या होगी इनके टर्म्स में, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि सर फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम मेरा बेस क्वांटिटीज है और मास की डायमेंशन निकालनी है इनके टर्म्स में, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं कि जो मास है वो डिपेंड कर रहा होगा किसी भी तरीके से फोर्स की पावर ए, बी की पावर बी और टी की पावर सी पे। मान लिया मुझे नहीं मालूम क्या है, या आप ऐसा कह सकते हो, इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हो कि जो मास की डायमेंशन होगी वो कुछ ऐसी है, ए बी और सी, तो हमको फाइंड आउट करना है। मैंने कहा सर अगर यहां पे हम बात करें फोर्स की डायमेंशन क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी -2 की पावर ए हो गया,
वी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, ये हो गया पावर बी, और आप बोलोगे ये टी की पावर वन, ये हो गया सी। अब जरा देखिए मास की सारी पावर्स, एल की सारी पावर्स और टी की सारी पावर्स कंबाइन कर लीजिएगा, तो यहाँ पे देखो मास केवल यहां पर है तो मास की पावर आ गई ये, मल्टीप्लाई होगी इससे तो ये हो जाएगा ए। एल की पावर यहां पर कितनी हो जाएगी ए, यहां पर कितनी हो जाएगी बी, तो एल की टोटल पावर हो जाएगी ए प्लस बी। टी की पावर यहां है माइनस टू ए, यहां है माइनस वन इंटू बी मतलब माइनस बी, और यहां पे है वन इंटू सी मतलब सी, तो जो टी की पावर आएगी माइनस टू ए प्लस माइनस बी प्लस सी, तो ये आ गई डायमेंशन इधर। मैंने कहा यहां मास आ रहा है तो मास की अगर एक्चुअल अपना जो बेस क्वांटिटी उसमें डायमेंशन क्या होती है, मास की पावर वन, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो। अब क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है तो दोनों साइड जो डायमेंशन है या पावर्स है रिस्पेक्टिव पावर हैज टू बी इक्वल, करेक्ट। तो मैंने कहा देखो भैया m की पावर a है या m की पावर 1 है, तो आप बोलोगे a की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1, तो ये एक रिजल्ट तो मुझे तुरंत ही तुरंत मिल गया। यहां l की पावर a प्लस बी है और यहां l की पावर 0 है, तो यहां से एक चीज और मिल गई कि a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर हो गई 0, a की वैल्यू यहां पे 1 रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हो गई माइनस 1, तो ये b की वैल्यू मिल गई मुझे। थर्ड में हम बात करेंगे माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी है और यहां पे कितना है 0, तो आप बोलोगे माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू यहां पे वन रखनी है तो ये माइनस टू हो जाएगा, बी की वैल्यू यहां माइनस वन रखनी है तो ये माइनस इंटू माइनस वन, आप बोलोगे माइनस टू, माइनस इंटू माइनस वन हो जाएगा प्लस वन, प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो सी की जो वैल्यू आ रही है वो यहां से आ रही है प्लस वन, तो ये ए पी सी की वैल्यूज आ गई। मैंने कहा रख दो तो डायमेंशन ऑफ मास आ गई फोर्स की पावर वन, बी की पावर माइनस वन और टी की पावर वन, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो ये काफी हॉट क्वेश्चन है डायमेंशन में, जनरली इस पे आजकल क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो ये डायमेंशन एनालिसिस बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, इसको हमने यहाँ पे कवर किया। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है, अगर फिर भी आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये थी बातें डायमेंशन की, बहुत ही सिंपल है बट इससे क्वेश्चंस आते रहे हैं, काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके स्कूल में, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। बहुत आराम से चलाऊ मैं और ऐसे ही आपको फिजिक्स आराम आराम से समझ के चलना, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, जब तक आपको समझ में नहीं आई है तब तक आप उसमें लगे रहिए, बीच में छोड़ेगा मत, कोई भी चीज आप छोड़ देंगे वहां पे आपकी चेन ब्रेक हो जाएगी और चेन ब्रेक हो गई तो फिर आगे दिक्कत आएगी फिजिक्स में, ठीक है। तो आज की क्लास से इतना ही काफी है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फॉर नाउ स्टे हेल्दी स्टे सेफ, थैंक यू।